हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी टाइम रिवर्सल। ये प्रॉपर्टी जो टाइम स्केलिंग है उसी का एक वर्जन है, ठीक है। इसमें देखो ये कैसा वही है, एकदम सेम प्रॉपर्टी है वो। देखो अब मैं दिखाता हूँ कैसे एक जैसा उसी को हम यूज करके इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा है, देन एक्स ऑफ माइनस टी, एक्स ऑफ माइनस टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है क्यों, क्या होगा एक्स ऑफ माइनस ओमेगा, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो एक ही जगह क्या बस माइनस ए, अगर मैं इसी चीज को जनरल में बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, अगर जनरल में बात करूं, अगर एक्स ऑफ माइनस ए टी का मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो क्या होगा, उस वाली प्रॉपर्टी में देखो क्या होता था। पिछली जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने स्केलिंग, वन अपॉन जो भी यहाँ पे टी का कोएफिशिएंट होता था उसका मोड एक्स ऑफ ओमेगा वाई ए, ये कितना है यहाँ पे माइनस ए, ठीक है, टी का कोएफिशिएंट एक तरह से वही प्रॉपर्टी है। देखो तो एक्स ऑफ माइनस ए टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आ गया, नेगेटिव तो बन जाता है पॉजिटिव इसमें, ठीक है, एक्स ऑफ माइनस ओमेगा बाय ए, ठीक है, अंदर हो जाता माइनस, बस वही फर्क है, ज्यादा कुछ है नहीं, वही है ये टाइम स्केलिंग। आप देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, एक्स एफ टी बराबर ई की पावर माइनस ए टी यू टी दे रखा, तो हमसे पूछेगा एफ ऑफ माइनस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो। तो हम क्या करते हैं, पहले एफ टी का निकाल लेते हैं, फिर एफ ऑफ माइनस टी का निकालने के लिए क्या कर दूंगा मैं, प्रॉपर्टी का यूज कर दूंगा, ठीक है। तो एक जगह माइनस ए हो जाएगा बस फॉर्मूले में, यानी एक्स माइनस टी का कितना होता है एक्स ओ माइनस ओमेगा, जो भी आंसर आएगा उसमें ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर दूंगा। निकालते हैं, फिलहाल हमें पता है ई की पावर माइनस ए टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है कितना होता है, ई की पावर माइनस ए टी यू टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है हमें पहले ही पता है, वन अपॉन ए प्लस जे ओमेगा होता है, ठीक है, हम ये पहले सीख चुके हैं। अब मुझसे पूछेगा एफ ऑफ माइनस टी का, एफ ऑफ माइनस टी का मतलब टी के जगह मुझे रिप्लेस कर देना माइनस टी से, तो ये मेरा क्या एफ टी और ये मेरा क्या है एफ ऑफ ओमेगा, ठीक है। अब मैं एफ ऑफ माइनस टी का फाइंड कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एफ ऑफ माइनस ओमेगा, अभी हमने ऊपर प्रॉपर्टी लिखी, ठीक है, क्योंकि एक जगह तो माइनस वन है ना, लेने का फायदा क्या, माइनस वन का मोड क्या होने वाला, वन ही होने वाला, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर देना, ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा लिख देना, वही मेरा एफ ऑफ माइनस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। एफ ऑफ माइनस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा, फिर ओमेगा को क्या रिप्लेस कर देना माइनस ओमेगा से, जहां ओमेगा आ रहा था वहां पे क्या लिख दूंगा मैं, ओमेगा लिख दूंगा। तो एफ ऑफ माइनस टी का, एफ ऑफ माइनस टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है क्या आ गया, वन अपॉन ए माइनस जे ओमेगा, ठीक है, ये आंसर। यानी अगर क्वेश्चन में रखते तुम टी की जगह माइनस टी तो ई की पावर ए टी यू माइनस टी हो जाता, देखो ए की पावर ए टी यू माइनस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है ए वन अपॉन ए माइनस जे ओमेगा ही होता है, ठीक है, ये क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, ये क्या है इसका आंसर हो गया। इस तरह से क्या करते हैं रिवर्सल को, यानी जब नेगेटिव आया यूज करते हैं स्केलिंग, अगर याद है तो रिवर्सल भी मैं बता दूं याद करने की जरूरत है नहीं, उसी की तरह से ये पूरा वर्क करता, एक तरह से उसी का एनहांस वर्जन है और कुछ नहीं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, छोटी सी प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में।